हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे निबोस क्रैक कोर्स, आईजीसी सर्टिफिकेट, निबोस डिप्लोमा। इसमें हम बात करेंगे निबोस कोर्स के बारे में और निबोस क्रैक कोर्स क्या है। देखिए, निबोस क्रैक कोर्स, जैसा कि नाम से ही आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि क्रैक करने के लिए, कुछ एग्जाम पास करने के लिए ये कोर्स है। निबोस में होता क्या है, निबोस कोर्स करने के बाद से बहुत से लोग जाते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम में अपीयर होते हैं और उनका रिजल्ट खराब हो जाता है और वो फेल हो जाते हैं। वह कौन सी गलतियां होती हैं जिसके वजह से वो फेल होते हैं, उन गलतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे और फिर आप कुछ ऐसा करें जिससे आप पहली बार में ही निबोस एग्जाम पास कर सकते हैं और आपके हाथों में सर्टिफिकेट हो सकता है। जैसा कि मालूम है कि यह कोर्स जो है एक विदेशी कोर्स है, यूके बेस्ड कोर्स है, इस वजह से हम लोग इसमें फेल हो जाते हैं। बात करेंगे निबोस क्रैक कोर्स के बारे में कि निबोस क्रैक कोर्स क्या चीज करता है। निबोस क्रैक कोर्स, जैसा कि बताएं कि निबोस एग्जाम को पास करने के पहले की एक तैयारी है, जिसको करने के बाद से आप निबोस एग्जाम को पहली बार में पास कर सकते हैं। निबोस क्रैक कोर्स कौन कर सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। निबोस कोर्स करने के लिए देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वो 10+2 होती है विद इंग्लिश के साथ। अगर आप इंग्लिश, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, या किसी भी स्ट्रीम से है आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बगैर इंग्लिश का निबोस कोर्स आप नहीं कर सकते हैं। निबोस क्रैक कोर्स जो होता है वह आपके हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों मिक्स होता है, उसमें आपको मिल जाता है, समझ पाते हैं आप हिंदी में, लेकिन राइटिंग जो भी होती है वो आपके इंग्लिश में होती है। जैसा कि योग्यता की बात आपने देखा कि 10+2 की योग्यता होती है, और ड्यूरेशन इसका जो होता है, निबोस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 डेज का होता है। 10 डेज में आपको पढ़ाई करना है और 10 डेज में आपको 10 दिन बाद आपको एग्जाम देना होता है। 3 पेपर्स होते हैं, ट्रेनिंग भी आपकी 10 डेज की होती है और समय भी इसका 10 डेज का होता है। मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं। कोर्स फीस इसकी अलग अलग होती है। इसकी कोर्स फीस आपकी समझ लीजिए 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक भी है, ये चली जाती है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी फीस है, तो आप देख सकते हो कि हर इंस्टीट्यूट कुछ न कुछ अपना उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से इन कोर्सों की फीस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर आता है। निबोस क्रैक कोर्स, जैसा कि आप जान चुके हैं कि एक तरह का प्रिपरेशन है, एक तरह की तैयारी है, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, यदि आप उर्दू मीडियम से हैं और आपको इंग्लिश आती है तो ही आप निबोस कोर्स के लिए अप्लाई करिए। अन्यथा अगर आप निबोस कोर्स करना चाहते हैं तो पहले अंग्रेजी की जानकारी जरूर ले लीजिए। अगर ऐसे ही जाकर के आप निबोस में एडमिशन ले लेंगे, कहीं भी आप एडमिशन ले लेंगे, तो आपका फेल होना निश्चित है। क्योंकि कारण क्या है कि कोर्स जो होता है वह यूके बेस होता है, मीडियम भी जो होता है यूके बेस इंग्लिश होती है, पेपर्स जो है समझ नहीं पाते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, उनका कुछ पूछने का वो अलग होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। लिहाजा अगर आप एक पेपर में पास होते हैं दूसरे में फेल हो जाते हैं, दूसरे में पास होते हैं तीसरे पेपर में फेल हो जाते हैं, नतीजा वहीं का वहीं आपका समय और पैसा दोनों लाश जाता है। लेकिन निबोस एक व्यवस्था बनाता है, देता है आपको एक सुविधा देता है कि 5 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। जरा सोचिए, क्या पढ़ने हम जाते हैं 5 साल तक वेट करेंगे, 5 साल तक का टाइम होगा, जितनी बार मर्जी उतनी बार एग्जाम दीजिए। क्योंकि अगर आप पहली बार में फेल हो गए, पहली बार में आपका एग्जाम नहीं निकला, तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरी बार में भी निकलेगा, क्योंकि वह कमियां हमेशा रहेंगी। तो इस एग्जाम में बैठने से पहले, इस कोर्स को करने से पहले एक पूरी तैयारी कर लीजिए, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करिए, जिसके बाद अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको पास होने की पूरी संभावना, पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि फर्स्ट टाइम में ही आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। निबोस क्रैक कोर्स में जो पढ़ाई होती है वो सारे निबोस की पढ़ाई होती है। उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका मकसद क्या होता है, किस तरह से उनका जवाब देना चाहिए, ये तमाम बातें आपको निबोस आईजीसी क्रैक कोर्स में मिलता है। यहां हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो निबोस आईजीसी की बात कर रहे हैं, हम निबोस डिप्लोमा की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। निबोस एग्जाम रिजल्ट, देखिए यहां पे एग्जाम रिजल्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एग्जाम रिजल्ट के बारे में एग्जैक्ट कुछ नहीं कर सकता है। अगर 10 लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें से 1 या 2 ही लोग पास होते हैं, बाकी लोग का रिजल्ट खराब हो जाता है। एक पेपर निकला दूसरे पेपर में लटक गए, दूसरा निकला तीसरे में लटक गए, तमाम तरह की, कभी कभी तो होता है तीनों पेपर में ही आपका वो फेल हो गए, आप उसमें लग गया।
तो डियर कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज ये हमेशा ध्यान रखिए, ये मकसद सिर्फ मेरा ये है बताने का कि आपका पैसा और समय दोनों की बचत हो। करना है इस कोर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर करना है पूरी तैयारी के साथ करिए ताकि आपको आपके पैसे का और समय का उपयोग हो सके। निबोस क्रैक कोर्स जो होता है वह हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। पूरी तैयारी करिए, उसके बाद से इस एग्जाम में अपीयर होइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। निबोस क्रैक कोर्स में क्या क्या मिल जाता है आपको, आप इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। निबोस क्रैक कोर्स के बारे में आपको जो मिलता है वो मिल जाता है, पहले तो सब्जेक्ट नॉलेज मिल जाता है, निबोस की सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, सब्जेक्ट मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, और फिर उसके साथ ही उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाते हैं, एग्जाम क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाते हैं, केस स्टडी मिल जाता है, किस केस स्टडी मिल जाता है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद साबित होगा। कंप्लीट सब्जेक्ट होता है और निबोस का हर एक टॉपिक होता है जिस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। इट मींस निबोस क्रैक कोर्स करने के बाद से अगर इस पर आपने पूरी तैयारी किया, उसके बाद निबोस एग्जाम निबोस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लगेगा कि ये कोर्स मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, और उसके बाद से आपको देखेंगे कि उन हर एक चीज़ को बखूबी आप समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में पहली बार में ही पास कर पाएंगे। और उसके बाद से हाउ टू मेक प्रोजेक्ट, कैसे बनाना है प्रोजेक्ट, जो GC3 पे तीसरा पेपर होता है वो प्रोजेक्ट का होता है, उस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, ये तमाम तरह की बातें आपको निबोस क्रैक कोर्स के माध्यम से मिल जाती है और आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। पूरी तैयारी के साथ अगर आप एग्जाम में बैठते हैं या इस कोर्स को लेते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निबोस क्रैक कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको ब्रांच से कांटेक्ट करना होगा इस कोर्स के लिए, जिसमें आपको मिलता क्या, निबोस कोर्स में आपको 30 वीडियोस लेक्चर मिलते हैं, उसमें आपको 30 वीडियोस लेक्चर में आपको एग्जाम के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, फिर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, फिर प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको निबोस क्रैक कोर्स में मिल जाता है। आप सभी के क्वेश्चंस आए थे निबोस क्रैक कोर्स के बारे में जानकारी के लिए। मॉनिटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या ब्रांच विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ ही आप सभी से इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।